मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, आज 30 जनवरी हो चुकी है और जनवरी का महीना लगभग समाप्ति की ओर है और अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यानी कि अब हम कह सकते हैं कि मौसम करवट लेने वाला है और कई इलाकों में कल से ही बारिश की गतियां शुरू हो जाएंगी, खास करके उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR में बारिश आपको दिखाई देगी और 1 और 2 तारीख को भी यहां पर बारिश की गतियां रहेंगी। और जो पंजाब है यहां पर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां 4 फरवरी तक रह सकती है, यानी कि जो वेदर सिस्टम है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह, सब 4 फरवरी तक अपना असर दिखाएंगे और 5 तारीख से धीरे धीरे मौसम साफ होने लग जाएगा, ज्यादातर भारत का मौसम साफ हो जाएगा। और जो पहाड़ों पर स्नोफॉल अभी तक नहीं हुआ था, यानी कि आपने देखा था कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी के ज्यादातर दिन, यानी कि आधे से ज्यादा जनवरी भी सूखा निकल गया था और भयंकर सूखे जैसी स्थिति बनी हुई थी इन इलाकों में। और अब क्या है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी कई इलाके इसकी जद में आ चुके हैं, आप देखिए एक के बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का तांता लगा हुआ है। तो इसका इसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो उत्तरी पाकिस्तान और उत्तरी अफगानिस्तान में बहुत अच्छा स्नोफॉल दे रहे हैं, बारिश दे रहे हैं। बलूचिस्तान और सिंध अभी सूखे रहेंगे, लेकिन जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर भी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों पर बहुत अच्छा हिमपात होगा अगले 4 या 5 दिनों के दौरान, यानी कि 4 फरवरी तक बहुत अच्छा स्नोफॉल जारी रहेगा और कल से ही बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। दिल्ली NCR में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी, उत्तरी राजस्थान में भी हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी, बहुत हल्की बारिश देखने को मिलेगी, कुछ इलाकों में बौछारें रहेंगी। लेकिन अगर और दक्षिण में चलते हैं हम तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, नागौर, राजसमंद, डूंगरपुर, कोटा, बूंदी, बारां, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे, यहाँ पर मौसमी गतिविधियां नहीं दिखाई देंगे, मिनिमम टेम्परेचर थोड़े से बढ़ जाएंगे और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ने से हल्की जो सर्दी थी उससे भी कुछ राहत मिल सकती है। और गुजरात के ज़्यादातर इलाके, ये भुज, नलिया और गिर सोमनाथ, द्वारका, पोरबंदर से लेकर के ये जो अहमदाबाद है, बड़ौदरा है, बनारस, कवरगाता, महेसाना, पाटन, सूरत, वलसाड़, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर थोड़े बढ़ेंगे, दिन में तेज धूप रहेगी, 30 डिग्री या उससे ऊपर का तापमान आपको दिखाई दे जाएगा। और उसी तरह से मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, छत्तीसगढ़ के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे। और यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो जो दक्षिणी और मध्य भाग है मध्य प्रदेश के, वहां पर 27-28 से लेकर के 30-31 डिग्री तक मैक्सिमम टेम्परेचर जा सकते हैं और मिनिमम टेम्परेचर भी डबल डिजिट में ज्यादातर जगह पर आपको दिखाई देंगे। और ग्वालियर, दतिया और उसके आसपास के जो इलाके हैं, टीकमगढ़, मुरैना, यहां पर बहुत हल्की बौछारें हो सकती हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान, लेकिन बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, लखनऊ, कानपुर से लेकर के जो पश्चिमी जितने भी इलाके हैं, यहां तक बारिश की संभावना नजर आ रही है। गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, जो चंदौली हो गया और जौनपुर है, भदोही, बलिया और गाजीपुर, ये जो इलाके हैं ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं, यहाँ पर कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी। बिहार की अगर बात करें तो पूर्वी चंपारण से लेकर के किशनगंज, अररिया, सुपौल और बांका वगैरह जितने भी इलाके हैं, जमुई है और गया है, भागलपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। बहुत हल्की बादल वगैरह जो हैं वो दक्षिणी बिहार में दिखाई देंगे, झारखंड के भी ज्यादातर इलाके शुष्क रहेंगे, लेकिन दक्षिणी झारखंड में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है 1 से लेकर के 3 फरवरी के बीच। और अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो माफ कीजिएगा, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, हुगली, हावड़ा और जो आपका कलकत्ता वगैरह है, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां 1 फरवरी से 3 फरवरी के बीच में रहेंगी। लेकिन जो कलिम्पोंग है, दार्जिलिंग है, यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी ही दिखाई देगी आपको। मिंदीपुर तक भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और असम की बात करें तो धुबरी और जो उसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर बारिश हो सकती है और उसके बाद जो नॉर्थ लखीमपुर वगैरह, यहाँ पर भी हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। और अरुणाचल की बात करें तो तवांग और उसके आसपास के इलाकों में हल्का स्नोफॉल या हल्की बारिश ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा का मौसम साफ बना रहने की संभावना नजर आ रही है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं, केजोनगढ़ और पुरी और बारीपाड़ा वगैरह, इन इलाकों में बहुत हल्की बौछारें आपको दिखाई देने वाली है 1 से 3 फरवरी के बीच। पूरा छत्तीसगढ़, सरगुजा, कोरिया, कोरबा से लेकर राजसमंद और जो दुर्ग, राजनांदगांव, ये सारे जो इलाके हैं
बस्तर तक आपको कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। उसी तरह से मध्य प्रदेश में आपको जो सीधी सतना सिंगरौली पन्ना यहाँ से लेकर के ये उमरिया कटनी जबलपुर मांडला अनूपपुर बैतूल होशंगाबाद खांडवा खरगोन उज्जैन नीमच रतलाम ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि यहाँ पर नहीं होगी। विदर्भ और से लेकर के आपके नागपुर अकोला अमरावती वाशिम भंडारा से लेकर के आपका जो नासिक मालेगांव जलगांव मुंबई थाने दहानू ये सारे इलाके सिंधु रत्नागिरी गोवा यहां तक कोई भी मौसमी गतिविधि आपको दिखाई नहीं देगी। सांगली सतारा कोल्हापुर भी पूरी तरह सूखे रहने वाले हैं। यहां पर तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा क्योंकि जो हवाएं हैं वो आप देखिए ये समुद्र से होकर के आ रही है तो यहां पर जो नमी तो बढ़ेगी लेकिन जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ जाएंगे। उसी तरह से तेलंगाना आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु और केरल का मौसम शुष्क रहने वाला है लेकिन तमिलनाडु के दक्षिणी और तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप सूखा रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में जो भारी बारिश की गतिविधियां हो रही थी उसमें भारी कमी आने की संभावना है। हल्की बारिश उसके इलाकों में रहेगी, एक दो इलाकों में मॉडरेट शावर से रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो पूरा भारत है ये पूरा इलाका शुष्क रहेगा। यहाँ पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होगी, उत्तर भारत में बारिश होगी, उत्तर पूर्वी भारत में बहुत हल्की बारिश होगी और जो पूर्वी भारत है गंगे पश्चिम बंगाल दक्षिण झारखंड और उड़ीसा के इलाकों में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पल ही दिखाई देंगे। ये है अभी तक का वेदर अपडेट। आपको लगातार मैं इसके बारे में अपडेट देता रहूंगा, अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो उसके हम लोग आपसे के साथ साझा करते रहे। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें SkyMet मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।